प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज 20 मई 2012 को अमावस्या का दिन, आप सभी लोग जानते हैं कि अमावस्या को, मैं हर अमावस्या को आपको कुछ ऐसे उपाय बताता आया हूं जो शनि राहु केतु का पाप प्रभाव दूर करके आपका जीवन यापन आसान करने में आपको मददगार सिद्ध हो। प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा क्योंकि बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि दान कब किया जाए, क्योंकि अक्सर शनि राहु केतु का जो भी दान किया जाता है वो सदैव सूर्य अस्त के बाद किया जाता है। लेकिन आप ये सदैव स्मरण रखिएगा, शनि राहु केतु का जो भी दान होगा अगर वो अमावस्या के दिन आपको कहा जाए, या मैं अमावस्या के दिन बताऊं, तो वो किसी भी वक्त कर सकते हैं। सारा दिन शनि देव का ही दिन माना जाता है क्योंकि वो नो मून नाइट होती है और सुबह से ही चंद्रमा अस्त हो चुका होता है। तो शनि देव का दान, पुण्य, पाठ, पूजन, सिमरण आप पूरी अमावस्या में सूर्य उदय से लेकर के अगले दिन के सूर्य उदय तक किसी भी वक्त, वो 24 घंटे में किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज सबसे पहला दान नोट कर लीजिए। शनिदेव का सबसे बड़ा और सबसे उत्तम दान ये होता है क्योंकि शनिदेव लोहे के कारक माने जाते हैं, शनिदेव फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज के कारक माने जाते हैं, शनिदेव ये झुग्गी झोपड़ी वाले जो इस किस्म के लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें पूरा नहीं मिल पाता ज़िंदगी में, उनके कारक माने जाते हैं। तो उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी भी फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को, किसी बैगर को लोहे का तवा, यानी भिखारी को, किसी को भी तवा लेकर के लोहे का दान दे देते हो, उसके खाना पकने में आप उसके साधन में मदद कर देते हो, तो लोहे का लेकर के तवा दान दिया हुआ शनि राहु केतु का जितना मर्जी पाप प्रभाव होगा वो शांत करके आपको बचने का रास्ता अवश्य दे देगा। मैंने पहले भी ये कहा था प्रिय दर्शकों, अगर आप थोड़े ज़्यादा पैसे अफोर्ड कर सकते हो या दो तीन जने इकट्ठे मिलकर भी कर सकते हैं, दो तीन दोस्तों के अगर ऐसे कोई इकट्ठी वस्त्र दशा चल रही हो, तो किसी जंजकर में, किसी अंधविद्यालय में, किसी ऐसे डफ एंड डम स्कूल में आप जाकर के एक पंखा, ट्यूबलाइट, अपनी जो भी श्रद्धा के मुताबिक दान करना चाहें वहाँ भी ये दान कर सकते हैं, क्योंकि लोहे का पंखा बना हुआ जिसमें बिजली साक्षात चलती हो, वो भी राहु शनि साक्षात माना जाता है, और उसका दान किया हुआ आपके जीवन यापन की मुश्किलों को दूर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात भी आप गांठ बांध लीजिए। एक और आज का मेजर दान बता देता हूँ जिससे करने से आप सब व्यापारी भाइयों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आज का सबसे मेन दान है जो मैंने रिसर्च में देखा है, अगर आप किसी कंजक देवी को, किसी छोटी कन्या को, चाहे वो मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठी हों, चाहे वो किसी भी फोर्थ क्लास एम्प्लॉय से रिलेटेड हों, तो उस कंजक देवी को अगर आप नीले रंग का रिबन या काले रंग का रिबन जो बालों में गूंथा जाता है, अक्सर आपने लड़कियों को, लेडीज़ को, छोटी बच्चियों को देखा होगा स्कूल कॉलेज में जाने वाली, वो बालों में गूंथ कर वो रिबन अपनी गुत को वैसे बनाते हैं, अगर काले रंग का रिबन और नीले रंग का रिबन, जिसका शनिदेव बिगड़े हुए हों, साढ़े साथी चल रही हो, मारक शनिदेव की महादशा चल रही हो, शनिदेव का पाप प्रभाव चल रहा हो, और किसी विद्वान ने आपको शनिदेव के दान बताए हों, या किसी विद्वान ने राहु देवता के दान बताए हों, तो राहु देवता के लिए आप नीला रिबन दान कर सकते हैं 1 मीटर का लेकर के, और शनिदेव के लिए काला रिबन आप कंजक देवी को दान कर सकते हैं, कंजक देवी को दे सकते हैं। उससे शनि राहु का पाप प्रभाव तो खत्म होता ही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि जो कंजक देवी साक्षात बुद्ध स्वरूप मानी जाती है, जिसके बारे में कल मैंने आपको विस्तृत जानकारी भी दी थी, जो कंजक देवी आपके लिए बुद्ध स्वरूप मानी जाती है, वो कंजक देवी से बुद्ध भी प्रसन्न होता है और आपके व्यापार में वृद्धि करने में सबसे ज्यादा सहायक रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इससे अकेले शनिदेव प्रसन्न नहीं होते, अकेले शनिदेव को प्रसन्न करने के तो और भी बहुत से उपाय हैं, लेकिन कंजक देवी को लेकर के दी हुई चीज आपका साथ में बुद्ध को प्रसन्न करके आपके व्यापार में वृद्धि करने में सबसे बड़ा मेजर पॉजिटिव रोल प्ले करता है। प्रिय दर्शकों,
नीला काला रिबन याद रखिएगा, 1 मीटर का उन्हें ले लीजिए या उनकी जितनी ज़रूरत हो, क्योंकि ये बहुत छोटा सा 10-20 रुपए में आ जाएगा। इसके लिए ज़्यादा फाइनेंशियल आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, या इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि बहुत बड़ा खर्चा है, ये छोटी सी चीज़ से हो सकता है। लेकिन अगर आप कंजक देवी को और थोड़ा पैसे खर्च कर सकें या देना चाहें, उन्हें नीली या काली जुराबों का जोड़ा दे दीजिए, ताकि साथ में बुद्ध प्रसन्न हों, साथ में शनिदेव प्रसन्न हो। तो शनिदेव तो अपने रंग से प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन साथ में अगर कंजक देवी को दी हुई चीज़ साथ में बुद्ध प्रसन्न हो, ताकि आपका व्यापार आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आने का रास्ता ढूंढ ले। अगर कंजक देवी को शूज़ लेके दे दीजिए, चाहे वो कपड़े के ले दीजिए, चाहे चमड़े के ले दीजिए, काले या नीले रंग के ले दीजिए, या उनकी ड्रेस कोड में जो आता हो, जो वो पहने यूज़ करें और आपको उनकी आशीष मिले, अगर वो लेके दे देंगे, वो भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। आप कुछ भी ना, जैसे कई घरों में देखा जा रहा है उनके पास चीज़ें ये अवेलेबल हों और आप लेकर के दें, उनके यूज़ में ना आए, तो ऐसी स्थिति में आप कंजक देवी को कोई खिलौना भी लेकर के दे सकते हो, ज़रूरी बहुत ज़्यादा महंगा हो, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, 20-50-100 रुपए का भी कुछ भी खिलौना, कुछ खाने की चीज़, कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आप लेकर के दे देंगे, तो शनि राहु केतु शांत अकेले नहीं होंगे, साथ में बुध प्रसन्न भी होंगे। जितनी स्माइल, जितनी खुशी, जितनी आप उस कंजक देवी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखेंगे, उतना ही बुध देव साक्षात प्रसन्न होकर के साक्षात आपको आशीष देते हुए ही मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा, कंजक देवी को दिया हुआ कोई भी उपहार ये सिर्फ ग्रह को शांत नहीं करता, बुद्ध देवता को प्रसन्न भी करता है। ये बच्चों को भी करवाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों में अक्सर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, जब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, या पढ़ा वो पेपर में जाकर लिखना भूल गए, तो ऐसी स्थितियाँ अक्सर हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं, वहाँ हमारा बुद्ध का ही रोल होता है। मेमोरी सारी बुद्ध देवते के पास आती है, क्योंकि बुद्ध देवता हमारे बुद्धि के कारक माने जाते हैं। बुद्ध देवता बुद्धि के कारक या मेमोरी के कारक होने की वजह से, अगर अपने छोटे बच्चों से, जैसे आपका 10-12-20-15 साल का लड़का हो जो स्टडी कर रहा हो, उसे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, उससे भी ये उपाय अमावस्या को करवा करके आप शनिदेव की ही शांति नहीं कर सकते, बुध को भी प्रसन्न करके उसके अच्छे रिजल्ट्स लेने में उस बच्चे के प्रति उस ग्रह को बाध्य कर सकते हैं। तो ये समझना होगा कि हमें सिर्फ दान नहीं करने हैं, हमें साथ में अगर ग्रह को प्रसन्न भी कर लिया जाए तो ग्रह ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है, और वो बंध जाता है, बाध्य हो जाता है। और अमावस्या को नॉर्मल से ज़्यादा पाठ शनि राहु केतु का किया हुआ, वो भी आपका पाप, अगर मान लीजिए आपको किसी विद्वान ने गाइडेंस दिए कि रोज ये एक शनिदेव की रात को पाठ की माला करके सोया कीजिए ताकि शनि का प्रभाव शांत हो, लेकिन अमावस्या को एक की बजाय 2-3-4 आप जितनी कर पाएँ उसमें शुभता में कई गुना बढ़ोतरी हो, आप 2 माला करेंगे आपको 10 माला का रिजल्ट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अमावस्या साक्षात, जैसे आज का दिन अमावस्या शनिदेव का साक्षात दिन माना जाता है, राहू का साक्षात दिन माना जाता है, नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा अच्छी शांति होती है। मैंने पहले भी एक यूनिवर्सल उपाय आप सबके लिए बताया है, अगर आप कुछ भी ना कर पाए तो पाइया काले तिल लेकर के, जो घर के आसपास आप किसी भी करियाने की दुकान से 5-7 रुपए में ले सकते हैं, काले तिल लेकर के चींटियों की पौन पे अवश्य डाल दें, और साथ में हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना राहु शनि केतु देवता से कर लें, ताकि वो अपना पाप प्रभाव छोड़ दे और आपका जीवन यापन अच्छा होने में ये छोटा सा किया हुआ आपका उपाय मददगार सिद्ध हो। हमारे पंजाबी में कहावत कही जाती है, वेले दियाँ नमाजा तक वेले दियाँ टकरा, अगर आप समय पर उपाय करते हो, उसकी महत्वता नॉर्मल दिनों से किए हुए पाठ या उपाय से कई गुना ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ज़्यादा शुभ फलकारी होती है। किसी कंजक देवी को साथ में खुश कर दिया जाए, छोटी मोटी उसे उपहार में चीज़ लेके दे दी जाए, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तवा ले दिया जाए, बिजली की तार डोनेट कहीं कर दी जाए, धर्म स्थान पर, अब दर्शकों ध्यान से सुनिएगा, धर्म स्थान पर आप कोई भी चीज़ डोनेट कर दें,
चाहे अगर ठीक है ये बहुत ज़्यादा पैसे ना हो, अगर वहाँ लेकर के एक थाली, एक परात या एक कटोरी या एक जो भी चीज़ आपका सेट, जितनी भी हैसियत के आप पैसे खर्चना चाहें, उस दान करने का मतलब ये नहीं है कि धर्म स्थान पर जाके 20,000-50,000 का लोहा ही दान करना है आपको ताकि उसमें हेल्प मिले। नहीं, आप 5-6 कटोरियाँ भी लेकर के वहाँ दान कर सकते हो, वो जब लंगर में उसे यूज़ करें तो आपका ग्रह टलने का रास्ता ढूंढ ले और आपको उसका शुभ प्रभाव मिले। मतलब आप अपनी हैसियत के मुताबिक उसका वे आउट ढूंढ लीजिए, वो आपको रिजल्ट देने में सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तो आज अमावस्या के दिन आप, मैंने जितने उपाय बताए हैं आप उनमें से कोई भी कर सकते हैं, आपको बचने का रास्ता अवश्य मिलेगा। शनि राहु केतु का जितना मर्जी पाप प्रभाव होगा, आपका स्वयं का किया हुआ ये प्रयोजन, आपका स्वयं का किया हुआ ये पाठ आपको शुभ फलकारी अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, एक सवाल बहुत बार आता है और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि इतने लोगों से हम लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कि ये सर ऐसा है कि अब ये मेरी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई, ये मेरी कुंडली है। तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम पीक पे पहुंच चुकी है। जैसे मान लीजिए 7.5 की बात करूं तो 7.5 बीच के ढैये में जा रही होती है और बंदा सबसे ज़्यादा परेशान होता है। तो हम पूछते हैं उसके जातक से कि आपने ये पत्री पहले क्यों नहीं कभी दिखाई? तो वो कहता है जी मैंने जनवरी में दिखाई थी, मैंने वो संक्रांत पे दिखाई थी, मैंने दिवाली पे दिखाई थी। तो वो हम अक्सर सवाल करते हैं तो आपने पत्री अपने समय पर क्यों नहीं दिखाई? तो वो पूछते हैं, हमें आगे से पूछते हैं, जवाब हमें देना पड़ता है कि समय क्या है सही पत्री दिखाने का। आप राजेश जी ये बताइए कि किस वक्त हमें पत्री दिखानी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लाभ ले सकें, क्योंकि अक्सर ये होता है प्रॉब्लम आती है, लोग पत्रियां उठाते हैं, 8-10 इकट्ठी उठाई, सारे परिवार की ले गए, चलो जी सारी एक बार डिटेल पूछ लो। तो ये चीज़ नियम के विरुद्ध तो नहीं है, लेकिन हम पत्रियों को बहुत ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में टाइम नहीं दे पाते। ये समझना चाहिए हर जातक को कि आपका पत्री दिखाने का सही समय है। आपके हमारा साल जन्मदिन से ही शुरू होता है, हमारा जनवरी फरवरी से कोई लेना देना नहीं, हमारा मकर संक्रांत से कोई लेना देना नहीं। जिस दिन आपका जन्मदिन हो उससे 3-4 दिन पहले आप किसी विद्वान के पास जाएं, स्वयं अपनी दशा अंतरदशा देखने के काबिल हों तो स्वयं देखें, गोचर स्वयं अप्लाई करें, नहीं तो किसी विद्वान से मदद ज़रूर लें, उनके साथ बैठकर डिस्कस करें कि मेरा ये साल कैसा मूव करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका साल आपके जन्मदिन से चलने वाला है। जिस दिन आपका जन्मदिन होगा, जिस समय आपका जन्म होगा, उसी समय से आपका अगला साल शुरू होगा। और अगर 2-4 दिन पहले आपने पत्री दिखाई होगी तो वो विद्वान बता देगा ये साल आपका ऐसा निकलने वाला है और इस साल में आपको ये उपाय करने हैं और इस समय में आपको दोबारा विजिट करना है अगर गोचर की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, या बीच में 7.5 और ढैया चलना शुरू हो, या बीच में कोई नेगेटिव अंतरदशा दशा आने वाली हो, तो वो विद्वान आपको पहले गाइडेंस देगा। तो सारी बात कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि एक नियम बनाइए, अगर इस ज्योतिष विद्या से आप लाभ लेना चाहते हैं तो घर में जिसका भी जन्मदिन आए उससे 2-4 दिन पहले किसी विद्वान से सलाह जरूर करें, किसी विद्वान को पत्री दिखाएं, जो भी छोटे मोटे रेमेडियल मेजर्स होते हैं वो अडॉप्ट करके अपना जीवन यापन सुखमय बनाने में वो आपके छोटे मोटे रेमेडियल मेजर्स किए हुए सहायक अवश्य सिद्ध होते हैं और जातक को वो टाइम पर करके पहले ही बचने का रास्ता अवश्य दे देते हैं। यहाँ प्रॉब्लम पीक पे पहुँच गई तब हम उसको डिक्रीज करना शुरू करते हैं तो बंदा भी बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अब तो ये तो कम हो नहीं रहा। वो सिर्फ फिर बचने का रास्ता अवश्य देता है, लेकिन प्रॉब्लम को जड़ से अगर उखाड़ना है तो जब वो छोटी सी हो उसी वक्त उसे उखाड़ लिया जाए। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, शनि की 7.5 जिस दिन पहला चरण रखे आप उससे भी 4 दिन पहले पाठ शुरू कीजिए। ये नहीं कि शनि की 7.5 बीच के ढैये में आ जाए तब आप पाठ शुरू करें, वो प्रॉब्लम होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज अमावस्या के उपायों के साथ हम सब के लिए शनि देव के आगे मंगल कामना करता हुआ, हम सब के लिए प्रणाम करता हुआ शनि देव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनि देव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि देव। We'll be right back.